साथियों, भाजपा आदिवासी हितों की रक्षा करने, आदिवासी गौरव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने भारत की आजादी में आदिवासियों के योगदान को पूरा देश में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय पर काम चल रहा है। पूरे देश में आदिवासी इतिहास, कला, संस्कृति को संजोने के लिए अनेक स्मारक और संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। भाजपा ने हर संभव प्रयास किया है कि झारखंड की सुंदरता, यहां के शांतिप्रिय और मेहनतकश लोगों के बारे में देश और दुनिया जाने, समझे। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां देश और दुनिया के लोग घूमने फिरने आए, यहां की कला, संस्कृति, यहां के हस्तशिल्प से परिचित हो, यहां का पर्यटन बढ़े, यहां उद्योग लगे, युवाओं को यहीं पर रोजगार के नए अवसर मिले। इसलिए आप सभी को कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। उनका इतिहास आपको पता है, उनके कारनामे आपको याद है। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ यहां की प्राकृतिक संपदा पर है, और अगर वो आए तो फिर से झारखंड को लूटना, यही उनका एजेंडा है। ये लोग सत्ता में वापसी के लिए इतना छटपटा रहे हैं कि आपके बीच झूठ फैला रहे हैं, डर और भ्रम फैला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहां उद्योग लगे, यहां पर्यटन समृद्ध हो। उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो गरीबों के पास पैसा आने लगेगा, जिससे कांग्रेस जेएमएम के नेताओं की कोई पूछेगा नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं रहने वाली। मुझे विश्वास है कि आप सभी कांग्रेस के झूठ की सारी बातें यहां जा जा करके लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही नहीं, आप मतदान के दिन भारी संख्या में केंद्र पर, मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करके इन कांग्रेस जेएमएम के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, उनके झूठ को बेनकाब कर देंगे और कमल के निशान पर बटन दबा करके फिर एक बार 19 साल के झारखंड को नई ताकत देंगे। ये मेरा विश्वास है।